हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? तो अभी मैं जो हूँ चाय बनाई है और मैं कर रही हूँ हलवा गरम। मैंने अभी अभी अपना एक वीडियो एंड किया है, मैंने सोचा चलो दूसरा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। चाय बन चुकी है, हलवा भी गरम हो गया क्योंकि भैया जो है वो अभी ड्यूटी से आए थे, तो मैंने सोचा चलो चाय हलवा दे देते हैं। हलवा लेकर के आई थी मैं घर से और अभी मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ शाम के खाने की। शाम के खाने में मैं बना रही हूँ आलू गाजर मटर की सब्ज़ी। तो आज खाना खाने के लिए मैं और भैया मांटू ही हैं क्योंकि वो गए हुए हैं शादी में, तो हम मुझे अपने तीनों लोगों के लिए ही खाना बनाना है। दूध मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। दूध को कभी भी खाली गर्म नहीं रखना चाहिए, चाहे आप उसमें दो घूंट पानी ही डालें। तो मैंने दूध रख दिया है बॉईल होने के लिए। सब्जी काट ली है और जो भी सब्जी का छिलक हुआ था वो सब कुछ मैंने एक पन्नी में करके रख दिया है। और दूसरी तरफ मैं छील रही हूँ अभी मटर, तो मटर छीलना है, टमाटर काटना है, बस आलू गाजर को मैंने काट के रख लिया है। मैंने अभी कुकर चढ़ा दिया है गैस पर और उसमें डाल दिया है तेल। थोड़ा सा मेरा किचन जो है वो मैशी हो रखा है क्योंकि मैंने घी भी बनाया ना अभी, तो उसकी वजह से भी बर्तन भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो मैंने सोचा पहले सब्जी को छोंक देती हूँ, उसके बाद में सारा बर्तन वर्तन जो भी है या तो तब साफ़ करूँगी या पहले एक बार रोटी का ही काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही अपने जो है सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी। और मैंने इसमें बस अभी थोड़ा सा जीरा हींग डाल के, और जब जीरा वो हो गया था फिर उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी। हल्दी डाल के फिर जो है टमाटर काटे हुए थे टमाटर डाल दिए हैं। प्याज नहीं डालूँगी क्योंकि दूसरी सब्जी नहीं है, गोपाल जी को भी भोग लगाना है, तो इसीलिए मैं इसको जो है टमाटर में ही बनाऊँगी। और सारे सूखे मसाले ऐड करने के बाद में थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी सी मटर थी वो भी मैंने डाल दी है। और मटर को 2 से 3 मिनट अभी मैं यहाँ पर पकाऊँगी, ढक दूँगी क्योंकि ढकने से जो है वो चीज़ें जल्दी बनती है, गैस की भी बचत होती है। तो मटर जो थी वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था, मैंने इसमें डाल दिया सब्जी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। पानी में इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करूंगी, चाहे मैं खुले बर्तन में बनाऊं यानी कि कढ़ाई वढ़ाई में बनाऊं ना मैं तब पानी डालती हूँ, और कुकर में बनाएं तो बिल्कुल भी पानी नहीं जाता है आलू गाजर में। तो बस मैंने इसको जो है ढक्कन लगा करके रख दिया है। 2 से 3 सीटी में जो है सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। भैया से मैंने बाज़ार से मंगाई थी सब्जी, तो वही मैं सब इसमें से डाल रही हूँ, और कुछ सब्जी जो है वो मुझे बाद में डालूँगी। पहले इसमें से मैंने टमाटर और हरा धनिया अदरक ये सब चीज़ें निकाल ली है, उनको रखूँगी मैं किचन में क्योंकि टमाटर जो है वो मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ अब, क्योंकि फ्रिज में रखने से वो बहुत ज़्यादा हार्ड से हो जाते हैं, काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं टमाटर को बाहर ही रख लेती हूँ, अदरक भी बाहर ही रखती हूँ क्योंकि बार बार चाय वाय बनती है, बार बार फ्रिज से निकालना मतलब मुझे आलस आता है बहुत ज़्यादा इन कामों में, तो मैंने यहीं पर रख लिया है। घी गरम किया था उसको डब्बे में डाल दिया है क्योंकि साथ के साथ में सारे ही बर्तन एक बार ही साफ़ हो जाएंगे, बहुत सारे बर्तन हो रखे हैं। दूध हो गया है, दूध को मैंने ढक करके रख दिया है और बस अभी यहाँ पर सब्जी बन जाएगी। और उसके बाद मुझे लगाना है अभी आटा, और आटा मैं लगाऊंगी थोड़ा सा गुनगुना पानी करके उसी में। और मुझे आदत है मतलब बार बार स्लैब पर कपड़ा मारने की क्योंकि कुछ ना कुछ गिर ही जाता है और गीला गीला सा भी अच्छा नहीं लगता वैसे भी ठंड में। और जो बर्तन कुछ इसमें टोकरी में रखे हुए थे उनको मैं रैक में लगा दूँगी, और उसके बाद में जो भी बर्तन होंगे वो साफ़ करके मैं इसमें रख दूँगी। छोटे वाली जो टोकरी है वो रख ली है मैंने अभी यहाँ पर क्योंकि बड़े वाली जो टोकरी थी वो बहुत ज़्यादा जगह घेरती थी और इतनी जगह बचती नहीं है रसोई में। तो अभी बस सारे बर्तन वर्तन सब इकट्ठा करने के बाद मैं अभी लगा रही हूँ मैं आटा। आटा लगा करके रख दूँगी थोड़ी सी देर, 5 से 7 मिनट में जो है आटा वो सेट हो जाएगा।
और सर्दियों में बहुत जल्दी आप कितना भी मुलायम आटा गूंद लो या कितना भी मतलब होता है ना पतला पतला सा गूंद लो, पर थोड़ी देर रखने के बाद में है जो है वो आटा हार्ड हो ही जाता है। तो बस मैं थोड़ा सा मतलब पतला सा ही गूंदती हूँ क्योंकि टाइट आटे की रोटी बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फाइनली मैं अभी यहाँ पर बना रही हूँ रोटी। रोटी का काम ख़त्म हो जाएगा, खाना पीना हो जाएगा, उसके बाद में एक बार में ही मैं सारे बर्तन जो है वो इकट्ठे कर लूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा पानी चाहिएगा, गर्म भी, चीकने बर्तन भी हैं दूध के घी के, तो उनको साफ़ करने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए गर्म। खाना खाने के बाद में मैं सीधा आ गई थी किचन में और आप लोग देख सके हो कितने सारे बर्तन हो रहे हैं, पूरा सिंक आधा स्लैब भरा हुआ है बर्तनों से। तो वही है ना, अगर हम टाइम टाइम पर साफ़ नहीं करते हैं तो अगर एक साथ साफ़ करेंगे तो ज़्यादा बर्तन तो होंगे ही। तो अभी मैं अपने सारे जो भी बर्तन हैं वो क्लीन करके रख दूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब एक साथ हम काम करो जाते हैं तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। कभी कभी मुझे मेरी जो रियल भाषा है ना वही निकल करके आती है, कितना भी कंट्रोल कर लो फिर मुझे कमेंट भी आते हैं कि आप कैसे बोलते हो, कैसे बात करते हो, तो मेरा है। और इस वाले फ़ोन में मैं वीडियो बना रही थी इनके वाले में, तो मुझे बार बार डाउट हो रहा था पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, कहीं ब्लर तो नहीं, तो इस वजह से मैं पहली बार आप लोग देख रहे होंगे मैं बार बार कैमरे की तरफ देख रही थी क्योंकि वही है ना, जिस फ़ोन की भी आदत हो जाती है, मुझे मेरे फ़ोन से वीडियो बनाने की आदत थी तो मैं इसमें बार बार देख रही थी कि पता नहीं दिख भी रहा है, सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और बस सारा काम किचन साफ़ करने के बाद में, सारे बर्तन साफ़ करने के बाद में मैं अभी कर रही हूँ दूध गर्म क्योंकि मुझे गोपाल जी को भी दूध पिला करके सुलाना है, मांटू को दूध देना है और एक दो काम ये रह गए हैं रात के, दवाई वाई लेनी है। और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मुझे आप लोगों से करनी है एक बहुत ज़रूरी बात, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैंने इस वीडियो में जो भी बातें की है, मैंने की है या इन्होंने की है, वो किसी और के लिए नहीं है, बिल्कुल भी आप लोग अपने ऊपर बिल्कुल भी मत ले करके जाइएगा। कुछ लोग हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं डेली डेली कमेंट्स करके, तो उनका जवाब देना देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम निगेटिव कमेंट्स को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ले लेते हैं। अच्छे का तो हमें पता है कि हमसे लोग कितना प्यार करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, पर निगेटिव भी कम नहीं है। और तो आप प्लीज़ आगे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैंने गोपाल जी को सुला दिया है, सुलाने के बाद में गोपाल जी को मांटू को दूध दे दिया है, जो जिस दूध का भोग हम गोपाल जी को लगाते हैं तो या खाना हो, दूध हो, कुछ भी हो, उसमें उसी चीज़ को घर में से कोई भी खा ले, ज़्यादातर जो गोपाल जी को भोग लगता है दूध का, वो दूध ज़्यादातर मांटू ही पीती है शाम के टाइम में, क्योंकि शाम के टाइम में दूध ये पीते हैं या फिर मांटू पीती है। और मैं ले रही हूँ अपनी दवाई अभी यहाँ पर, किस चीज़ की दवाई है वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ अभी यहाँ, तो दवाई ले रही हूँ और फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। सो गाइस, जो है खाना पीना सब कुछ हो गया है और मैंने पहले उससे पहले एक वीडियो एंड किया था, फिर मैंने दूसरा वीडियो बनाना भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे अगले आने वाले दिन का नहीं पता ना कि मैं कैसे कैसे वीडियो बनाऊंगी, तो मैंने सोचा चलो भाई अभी फ़ोन है तो अभी वीडियो बन जाएगा, पता नहीं बाद में कैसे होगा क्योंकि फ़ोन वोन का जो है वो सब कल देखी जाएगी जैसे भी होगा। और आज का खाना पीना सब कुछ हो गया है, आलू गाजर मटर की सब्जी बनाई थी और ये आए हैं बहुत लेट क्योंकि ये गए थे शादी में मेरी कलीग की शादी थी जी हाँ, और मैंने साथ में काम कर रहे थे और मैंने गई थी, यही गए थे, क्यों नहीं का भी हम जवाब फिर कभी हाँ फिर कभी देंगे क्योंकि अभी पता है अभी जो पता नहीं मुझे मुझे कभी कभी इस चीज़ को सोच करके बहुत ज़्यादा डर लगता है कि नया साल पता नहीं इतनी सारी परेशानियां लेकर के आया है मेरे लिए, मुझे बहुत मतलब जिस दिन से नया साल स्टार्ट हुआ है ना मेरे साथ में कुछ ना कुछ
गलत ही गलत हो रहा है और नुकसान ही नुकसान हो रहे हैं हर चीज़ें। ये सब चीज़ें होती है, वो मेरी पर्सनल लाइफ है, वो मेरे मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे, हाँ भाई परिवार है, ये सब कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, नफा नुकसान और ये सब चीज़ें। बट उसके अलावा जो मेरा काम है, यूट्यूब है, यूट्यूब की तरफ से भी मतलब लोग मुझे ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता मैं इनका क्या आंसर करूं क्या नहीं करूं। कुछ लोग तो मतलब ना ओवर हो जाते हैं, कई कई लोग तो इस तरह से बोल देते हैं। तुम थोड़े सो रुक जाओ, अच्छा, मुझे फोन पकड़ने में दिक्कत हो रही है। कुछ लोग ना मतलब अपनी हद से ज्यादा जाके बोल देते हैं कभी कभी, क्योंकि जब हम कमेंट पढ़ते हैं कि पागल है, ये है, वो है, आपको थोड़ा सा तो सेंस का इस्तेमाल करना ही चाहिए कि आप किसी के बारे में किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपकी भाषा ऐसी है और आपका व्यक्ति मतलब इस तरह का है, आपका पर्सनल बिहेवियर ऐसा है, तो ट्रूली स्पीकिंग मेरे को लगता है आपसे बड़ा पागल कोई और दूसरा है ही नहीं। मैं तो इस तरह की भाषा कभी मतलब आप लोगों का सीधा इस्तेमाल नहीं करना सीधा, चाहता, उन लोगों को बोल रहा हूँ हाँ जो बहुत ही ज़्यादा कटु और असत्य तुमने मतलब देखा बड़े मतलब वो लिखा अशब्दों का है इस्तेमाल करते हैं। पागल औरत। पागल औरत, बकवास औरत, मतलब क्या बोल रहे हो यार तुम इनको, पागल बकवास औरत क्या क्या तुम बोलते हो। यू पीपल हैव जेन्युइन क्वेश्चन, वी रिग्रेट फॉर इट, अगर हमने आपको सही बात के लिए जवाब नहीं। चंचल के लिए पूछो, चंचल कहाँ है, चंचल मांटो की कहाँ तरह है है हमारा अन्य, ये, कहाँ है क्या है मतलब हम कहीं भी फेंक देंगे क्या उसको, हम चार बोलना दिन है कहीं फेंक मतलब देते हैं उसको कूड़े ये में और हाँ 4 दिन घर में ले आते हैं, ऐसे होता है क्या। ऐसे ये भी बिल्कुल। आप मेरा कमेंट बॉक्स जाकर के चेक भी कर ना सकते ना, हो, ये चीज चंचल के सीधी सीधी लिए लिखी गई है कि आपने उसको कहाँ फेंक यार हम दिया। उसको पनीर से लेकर के पता नहीं क्या क्या चीजें हम उसको खिलाते हैं, अपने खाने से पहले हम उसको खिलाते हैं, इतना ख्याल रखते हैं उसका। आप कुछ भी आके बोल देते हो, कुछ लोग 4-5 गिनती के लोग हैं, मैं उनका नाम लेकर उनको वेटेज नहीं देना चाहता। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि भैया गलत चीज़ों का, गलत शब्दों का इस्तेमाल कम करो। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हैं, बहुत सारी दिक्कतें आज के समय में चल रही हैं, तो आप क्यों बिना मतलब हमारी परेशानी बढ़ाना चाहते हो। फिर भी अगर आपको ये करना पसंद है तो प्लीज़ कंटिन्यू, वी अलाउ यू टू डू सो। हमें आप करो जितना परेशान करना है, हम देखते हैं आप में कितनी क्षमता है, करो। आपको अगर यही सब करना है कभी दूसरी कभी चीज़, बिल्कुल ऐसा मन करता है कि बस ये यूट्यूब सीट्यूब छोड़ दो आज तो बिल्कुल। बल्कि हमने ये सोच ही लिया था कि ठीक है, जब लोगों को इतना ही परेशान करना है, इतना ही तंग करना है, तो कई बार क्या है वो, ये बिल्कुल सही बात है कि नेगेटिविटी ना ज़्यादा टेंशन गेन करती है। हम तो बहुत सारे पॉजिटिवली बहुत सारे लोगों का नाम लेना चाहते हैं, कुछ लोगों का नाम पहले लिया था, कुछ और लोगों का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन बीच में ना कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है बिना वजह का, कुछ लोग इतना मतलब हर्ट कर जाते हैं आके कि पॉजिटिव छूट जाता है और निगेटिव बीच में घुस जाता है। हमें लगता है कि हम भी गलती कर रहे हैं उन निगेटिव बात पर बात करके, लेकिन आज ये हो गया था कि मैं इनको बोला कि ठीक है बंद करो यूट्यूब, हमें नहीं चलाना भैया, क्योंकि लोग इस तरह तो हमारा पर्सनल लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब हम तो अब थोड़ा सा अपनी समस्याओं से इतना परेशान है, कहीं फ़ोन में कुछ हो रहा है, कहीं फ्रिज में कुछ हो रहा है, कहीं कुछ और, मतलब तमाम सीरीज ऑफ प्रॉब्लम है पहली तारीख से, 1 जनवरी 2020 से। सिंस हम बैठते हैं साथ में, चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, चलो प्रॉब्लम है आगे बढ़ते हैं, कैसे आगे बढ़ना है हमारा तो स्ट्रेटेजी है, हम तो आपको भी सजेस्ट करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ साथ में बैठ के खाना खाओ, तो हम तो बैठते हैं बात करते हैं उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन बीच में अननेसेसरी आदमी आके और पोक करता है बिना मतलब की बात कह देता है। हम तो पहले से इतना परेशान है भाई, क्यों और परेशान कर रहे हो। और तुम मुझे समझ में ये नहीं आता इतनी ज्यादा पर्सनल आप लोगों को क्या जानना है, आप लोगों को इस बात से मतलब अब कुछ चल रहा है उस बारे में मैं नहीं मतलब हर हम चीज अभी नहीं शेयर कर सकती। कहीं को घर को लेकर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत सारी मतलब चीजें, कुछ, एक नहीं हाँ है अभी बहुत सारी है। छोटे से वीडियो में वो बात नहीं खत्म कर सकते हम। हमने जितने भी कमेंट है ना, चाहे यहाँ को चाहे मेरे घर को, हम बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, ठीक है ना, वन बाय वन हमें आपको एक दिन जवाब देंगे, बट वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अभी बोल देने से चीजें अधूरी हैं, चीजें पूरी हो जाएंगी तो हम वन बाय वन आपको पूरी बात बताएंगे, अभी बताएंगे तो अधूरी पता लगेगी, आप फिर कुछ और सवाल पूछोगे, फिर कुछ लोग उसमें आके बिना मतलब निगेटिविटी फैलाएंगे। मैं ऐसे लोगों को तो डिसरेस्पेक्ट करता हूँ जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जो लोग हमें प्यार देते हैं, बेशक उनके सवाल भी होते हैं, हम कई बार जवाब नहीं देते, हम सच में उन लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं जो जेन्युइनली हमसे सवाल पूछते हैं। हम उनको अगर नहीं जवाब दे रहे तो वो हमारी गलती है, हम उसके लिए सॉरी बोलते हैं कि हम आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, कमेंट का रिप्लाई हम नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत डिस्टर्ब है। लेकिन निगेटिव लोग जो आगे कुछ भी बोल करके चले जाते हैं, बकवास औरत क्या होता है भाई, मुझे लगता है कमेंट लिखने वाली भी एक महिला है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उनको कुछ बोलना चाहिए,
मैं खुद से कहूँ, एक सवाल पूछने के लिए आपसे कह रहा हूँ, खुद को पूछे कि एक महिला को दूसरी महिला की बेइज्जती करनी चाहिए क्या? ये ठीक है? हम विमेन एम्पावरमेंट के लिए इतना फाइट कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, महिलाएं लड़ रही हैं, मर रही हैं अधिकारों के लिए, कि एक महिला लड़ रही है दूसरी महिला को सम्मान मिले, वहीं एक महिला दूसरी महिला को नीचे दिखाना चाहती है। ये कैसा समाज है भाई? आप कौन लोग हैं? 2, 4, 10, 5 गिने चुने लोग। ये प्लीज़ अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ एज ए वुमेन आप सोचिए कि आप क्या कर रही हैं। पब्लिक डोमेन में आके आप किसी को बकवास औरत बोलते हैं, क्या मतलब होता है बकवास औरत का? नहीं, बकवास लगती है तो आप लोगों को फोर्सफुली तो नहीं बोला जाता ना कि नहीं आपको देखना ही है। कोई भी है, 2-4 हैं जो भी हैं, उनको नहीं अच्छी लगती वीडियो तो मत देखिए आप। नहीं, वो सिर्फ इसीलिए देखते हैं कमेंट लिए। आज मैंने एक दो लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर ब्लॉक कर दिया। उनको सिर्फ निगेटिविटी ही हर बार बोलनी है। 1000 of time मैंने लिखा है कि आप कुछ अच्छी बात भी कह सकते हैं। आपका सवाल है तो आप सवाल पूछिए। सवाल पूछने की तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप पूछोगे तो मैं आंसर भी करूंगी, बट वो क्वेश्चन ही नहीं है। अब बताओ मैं इसका क्या आंसर करूँ? पागल औरत, बताओ अभी इसका कुछ आंसर है? बकवास औरत, बुढ़ी औरत। मैं अपने अच्छे व्यूअर्स को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप इन सब चीजों को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो। लोग बोलते हैं, बात करते हैं, हम जवाब देते हैं ऐसे। अब बिल्कुल भी फाइट ना करें, अपने जुबान से किसी के लिए एक गलत शब्द ना निकालें। बिल्कुल अपने आप को कूल और काम और एकदम ना मस्त रखें, मस्त रहें। इसलिए ज़्यादा बिल्कुल भी मतलब कोई क्या बोल रहा है उसको कमेंट पढ़ के आप भी कभी भी अग्रेसिव मत हो। करने को तो देखिए मैं भी कर सकती हूँ कि भाई चलो इतना लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं चला रही चैनल, नहीं मैं वो कर रही, छोड़ देते हैं यूट्यूब कहीं नहीं। आज तो हुआ था पहले डिस्कशन भी, ठीक है, आज मैंने बोला भी नहीं थे ना, आगे भी जिए। बट फिर जब आप लोगों का प्यार देखते हैं ना, जो लोग हमें इतना प्यार करते हैं, वीडियो एक दिन नहीं जाता तो वो इतना परेशान हो जाते हैं। और फिर हर चीज को फेस भी करना चाहिए, कहाँ तक भागेंगे? एक बात बताए, कोई कहाँ तक भाग तक सकता है? इन सब चीजों से फेस तो करना ही है। तो ठीक है, वहाँ वो दिख रहे हैं, यहाँ हम दिख रहे हैं। हम लोग तो देखिए, हम लोग तो स्ट्रगलर हैं, मेहनत करने में, संघर्ष करने में विश्वास करते हैं, किसी भी स्टेज पे, किसी भी लेवल पे। भागना हमें आता नहीं है, ना हम कभी भागेंगे। अगर आज हमने हर चीज़ को गिव अप करना शुरू किया तो हमारे बच्चे हमसे क्या सीखेंगे कि भैया कुछ भी हो ये तो छोड़, चलो छोड़ दो। वो चलो छोड़ दो वाला एटीट्यूड हम लोगों का नहीं है। आज भी हमने, मैंने उस समय कहते थे बंद करो यूट्यूब, हमें नहीं चलाना, क्योंकि इस तरह की बात सुन के हम तो ऑलरेडी इतना परेशान है, मतलब खाना नहीं खा पा रहे, ऊपर से सब बातें। फिर भी हम लोगों ने डिसाइड किया, नहीं यार अभी 2-4, 10 लोगों के लिए हम 50,000-60,000 लोग हमें एक दिन में देखते हैं, कुछ तो पसंद करते हैं, हम उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, हमारी गलती है अगर हम 5 लोगों से अफेक्ट हो रहे हैं तो। बस 9 मिनट, ये बात थी बस, 9 मिनट, ठीक है, एंड करो। तो बस अभी इतनी सारी बात हो गई, आज थोड़ा सा हमारा भी मन हल्का हुआ, किसी को दुख हुआ हो हमारी वजह से तो हम सॉरी, जो अच्छे व्यूअर्स हैं जी, लेकिन निगेटिव लोगों के लिए सिर्फ ये बात थी। फिर बाकी किसी को हर्ट करना हमारा, मिलेंगे हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार, साथ, सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला पाऊँ। कोशिश मेरी हमेशा रहती है, बट जब मूड ख़राब हो जाता है ना तो थोड़ा सा वीडियो भी ऊपर नीचे हो ही जाता है। खुशी मन से जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो चलिए फिर हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।